चलो भाई, भाई साहब गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेने के बाद जो है नीचे उतरे, एकेएम पे लगा रखा है इन्होंने 3x। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये बनता है पबजी का लॉजिक। नहीं, बहुत हार्ड यार ये बंदा ऐसा है ना, इसको मतलब कोई दुनिया का बंदा के मार ही नहीं सकता। ओके, मारेगा कैसे? घास के अंदर से मार रहा है बंदा। अब देखो, ये एक एक बार उसने मारा, उसके बाद इधर की तरफ आया वापस से, ये दूसरा बंदा नॉकआउट। मतलब सामने वाला बंदा करेगा भी तो करेगा क्या यार? बंदा घास के अंदर से मारा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, कैसे मार रहा है ये? और अभी तो पूरा देखना, पूरी स्क्वाड खत्म कर देगा। ये देखो, ये देखो, कहां कोई एंगल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, बंदे को बंदे दिख रहे हैं और दीवार के आर पर। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये हो क्या रहा है? अब वो नीचे जो बंदा बैठा है वो सीढ़ियों पे देख रहा है बेचारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सब लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस, ये जो वीडियो है इसका बनाने का मेरे को कोई मकसद नहीं था, या फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी वीडियो भी बन जाएगी, लेकिन ये वीडियो अपने आप ही बन गई। अब दरअसल हुआ क्या था गाइस, मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले वीडियो लेके आ रहा हूं, तो बहुत सारे मुझे गेम खेलने पड़ते हैं। तो एक जो है मैंने गेम लगाया तो सोलो के अंदर था, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाया था, लेकिन लग गया था स्क्वाड। ओके, और उसके अंदर जो है मेरे को रैंडम स्क्वाड मिल गई, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, रैंडम स्क्वाड है और कोई कोई बंदे कहां पे उतरेंगे, मैं जो है जॉर्जोपुल उतरता हूं। तो मैं जॉर्जोपुल उतरा, उसके साथ साथ मेरा एक जो है और बंदा था जो कि रैंडम बंदा था, वो जॉर्जोपुल उतर गया, और वो दरअसल एक हैकर था। जी हाँ गाइस, वो हैकर था, और उस हैकर के पास में इतनी सारी हैकिंग थी, मतलब जंप हैक, वॉल हैक, ईएसपी हैक, और मतलब दुनिया में ऐसा कोई हैक नहीं था जो उसके पास नहीं था। तो सबसे पहले मैं उधर की तरफ गया और मैंने कुछ फाइट ली तो मैं मर गया, उसको मैंने इस बंदे को एक्सपेक्टेड किया। अब देखना गाइस किस तरीके से बंदों को मारता है। ओके, अभी यहां पे लेटा, लेटने के बाद इसने जो है एकेएम पे इसने 3x लगा रखा था। और अब तुम लोग देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, मतलब पहली बात तो बंदे को हेडशॉट पड़ा, और दूसरी बात कंटेनर के आर पार इसने मारा, मतलब कि इससे ज्यादा जो है हमारे पास प्रूफ क्या होगा कि बंदा हैकर नहीं था। और भी इसका देखते रहना कि इस बंदे के मतलब पूरा पता चल जाता है कि बंदा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये मतलब जमीन के आर पार, और इतनी गंदी मौत मारा ना बंदों को। मतलब एक बात में तो मेरे को हंसी भी आ रही थी और एक बात में मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। तुम लोग आके देखते जाओ कि ये बंदा क्या क्या नहीं करता है, मतलब इस जगह से कहां कहां चढ़ जाएगा, घरों के ऊपर चढ़ जाएगा, और मतलब गाड़ी हवा में उड़ाएगा, गाड़ी तैराएगा, खुद हवा में उड़ेगा, और मतलब पता नहीं क्या क्या करता है यार। तुम लोग देखते रहना, इतना गंदी मौत मारा, और जो ऑल पे, जो मैंने ऑल पे माइक कर रखा था, इतनी गंदी भसड़ मचर गई थी, मतलब आधा सर्वर इसने खाया था, आधे सर्वर मतलब 50 एक बंदे इसने मार ही दिए थे। ओके, और सारे के सारे बंदे इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये देखो गाइस, तुम लोग अभी ऐसे जंप करके चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये बंदा जंप करके वैरोस के ऊपर चढ़ गया। और अब तुम लोग देखो, अब एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे जो दो सामने बंदे थे जिन लोगों ने मेरे को मारा था, मैंने अब तुम लोगों को बताया नहीं। ओके, तो वो जो बंदे दो थे बंदे और वो सामने थे, और तुम लोग देखो अभी ये जो है मतलब कहां से एम ले रहा है भाई, ऐसे एम कोई नहीं ले सकता। ऐसे एम लेना तो बहुत, मतलब क्या बताऊं यार, हमें 7 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसा एम लेने के लिए। लेकिन ये बंदा वैरोस के ऊपर से जो है अंदर से एम ले रहा है, और जब इसका कोई एंगल नहीं बैठा था ये ऊपर से कूद गया। और अब तुम लोग देखो, इस बंदे को इतनी गंदी मौत मारेगा ना, मतलब कोई एंगल ही नहीं है भाई, कोई होता ही नहीं है, मतलब क्या बताऊं यार, तुम लोग खुद ही देखो। ओके, और ये एक मतलब यार अभी पबजी वर्ल्ड में जो है इमुलेटर पे जो है ना जो खेलते हैं ना, उनको इतने सारे हैकर मिलते हैं ना, क्या बताऊं यार, 4-5 बार मैं हैकर से मरा हूं। लेकिन अभी पबजी वर्ल्ड के नए अपडेट के अंदर जो है ग्लिच चल रहा है, जिसके जरिए मैं किसी को एक्सपेक्टेड करते हैं, मेरे फ्रेंड्स को तो एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है, वो एक जगह घूमता रहता है, तो इसीलिए जो है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये एक्सपेक्टेड हो गया। ओके, अब ये देखो गाइस, ये कहां से एम ले रहा है, कंटेनर के अंदर से भाई साहब एम ले रहे हैं। मैंने तो कभी भाई कंटेनर के अंदर से एम नहीं लिया। और ये देखो गाइस कितना, मतलब देखो यार ये जंप जो कर रहा है ना, वो भी तुम लोग देखो कैसा जंप है। अभी तुम देखो बंदे कैसे मारता है, नहीं नहीं वाह, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया यार, कंटेनर के अंदर से हम गोली से रहा था तो गोली वापस आती है, और यार ये बंदा कंटेनर के अंदर से गोली मार रहा है। अभी देखना जमीन पे गोली मारेगा। ओके, ये देखो गाइस, इसने जमीन पे गोली मारी, जमीन पे इसने इमरका जमीन पे गोली मारी, और उस बंदे को हेडशॉट पड़ गया, मतलब कि गोली नीचे जाके इसके ऊपर आ रही है, समझ रहे हो तुम? और इस तरीके से इसने कितनी गंदी मौत बंदों को मारा। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है, अभी तो बस हम उतरे थे, 3 मिनट हुए वीडियो को, जब 10 मिनट तक लगातार तुम वीडियो देखोगे ना, तो तुम लोगों को कुछ ऐसा देखेगा ना जो तुम लोग भाई ये इम्पॉसिबल काम ये कर कैसे रहा है, मतलब गाड़ी हवा में उड़ा रहा है, खुद हवा में उड़ रहा है, बंदों को पता नहीं कहां कहां से मार रहा है, मतलब 1-1 किलोमीटर दूर बंदों को भाई ऐसे ही मार दे रहा है ये, एकेएम पे 6x लगा के, मतलब एकेएम पे 6x लगा के यार, एकेएम पे रेड डॉट नहीं चलता है और 6x लगा रहा है बंदा। और देखो यहां पे इसने मारा, उसके बाद इसने गाड़ी उठाई, और अब तुम लोग देखो इस बंदे ने गाड़ी हवा में उड़ाई गाइस, तुम लोगों ने देखा इस बंदे ने गाड़ी हवा में उड़ाई, इसने रोकी गाड़ी को, और ये देखो नो रिकॉइल है, मतलब एकेएम पे जो 6x लगाता है ना, तो रिकॉइल दिखता है, मतलब गन एक ही जगह फायर होता है लेकिन रिकॉइल दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो इसने मारा रेड डॉट से, मतलब बिल्कुल इसका रिकॉइल है ही नहीं मेरे भाई, बिल्कुल रिकॉइल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पबजी ने इतने अपडेट दिए और उसके बाद भी ये हैकर बैन तक नहीं हुआ है, मतलब कितनी रिपोर्टें पड़ी होगी। अब देखो यहाँ पे इसने गाड़ी रोकी और भाई
मतलब कुछ कुछ जरूरत नहीं है आगे जाने की, घर पे रश करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो जमीन के अंदर से मारेंगे। और ये बंदा जमीन के अंदर से मार रहा है। अब सामने वाले बंदे अगर गोली चलाएंगे तो किस पे चलाएंगे, चलाएंगे किस पे बताओ, चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो जमीन के अंदर से मार रहे हैं। अभी बंदा देखो कहां कहां से एंगल ले रहा है, ये लेटा यहां पे, लेटने के बाद इस काफी मतलब बंदों को डैमेज तो काफी देता है लेकिन इस पॉकेट में काफी कभी दिखते नहीं है। ओके अभी बंदा लेटा, लेटने के बाद स्कोप खोला और स्कोप खोलने के बाद मारना शुरू। अब देखो ये इसने स्कोप खोला और स्कोप खोलने के बाद ये देखो ये सारे जो फायर कर रहा है ना ये बंदों को लग रहे हैं। और देखो जो स्कोप हिल रहा है लेकिन जो गोली है ना वो एक ही जगह जा रही है, मतलब इतनी गंदी मौत यार बंदों को इसने मारा है ना, क्या बताऊं। और जमीन के अंदर यार, जमीन के अंदर कैसे मार रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम लोग देखना अभी पूरी पूरी इसको लेट जाएगा। ये देखो गाइस, ये एक बंदा खत्म किया इसने और अभी तुम देखना कि एक और बंदा ही खत्म करेगा। मतलब देखो यार सामने वाले बंदे अगर उनके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत एज के प्लेयर है, क्योंकि देखो मैं भी गाइस हाई लीग में खेलता हूं तो सामने वाले बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन क्या करें यार सामने वाले बंदे उनके पास भले M249 है जमीन के अंदर से तो उनकी गोली लगनी ली है, लेकिन इन भाई साहब के तो जमीन के अंदर से जाके मार रही है। पूरी स्क्वाड इस बंदे ने यहाँ पे खत्म कर दी बिना उन बंदों के सामने आए हुए। अब सारा यार सारा तो इस पकड़ करेगा ही ना, ओके सभी लोगों को देखना है कि ये हो क्या रहा है। मतलब सभी बंदे इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी बैन नहीं हो रहा है। वो भाई साहब एस में बैठे हैं यार, एस में 5-6 हजार पॉइंट है इनके, मतलब कौन करे पहुंच जाएगा एक दिन में बंदा। और ये देखो इसने बंदे कैसा मतलब जो है स्पॉट कर दिया, एक ही एम पे 6x लगा के भाई साहब इस पर कर रहे हैं। अभी तुम लोग देखना कि इस बंदे को जो है ना इतना फनी अंदाज में मारेगा ना, तुम लोग देख लेना। अभी यहाँ पे लेटा, लेटने के बाद भाई साहब ने यहाँ से एम किया, मतलब कि भाई कोई वैल्यू है ही नहीं पबजी की, ओके कोई वैल्यू है ही नहीं। अभी यहाँ पे लेट रहा है और इसके अंदर से एम कर रहा है तो सामने वाला बंदा इसको कैसे मारेगा, स्पॉट भी नहीं कर पाएगा ओके, और जैसे बाहर निकलेगा उसको खत्म कर देगा। अब यहां से इसने काफी अच्छा जो फायर वगैरह लिया और उसके बाद तुम लोग देखो यहां से इससे बंदा मरा ही नहीं ओके, वो बंदा मतलब लग रहा है कि वो बाहर पीछे की तरफ चला गया होगा। और इसको मतलब बहुत सारे स्नाइपर मिली, इसने एक भी स्नाइपर नहीं ली और भाई साहब बात भी नहीं कर रहे थे। अभी इंडिया का बंदा था लेकिन पता नहीं बात नहीं कर रहा था। और अब तुम लोग देखना कि आगे भी तुम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना जो तुम लोग देखते रहना। मतलब यार कोई ऐसा दुनिया में कोई हैक नहीं है जो इस बंदे के पास नहीं है, एम बॉट, नो रिकॉइल एंड हवा में उड़ने वाला, जंप हैक, वॉल हैक और ऑटो हेडशॉट, और मतलब यार मुझे नाम नहीं पता है उतने इसके पास हैक है। अब दरअसल क्या हुआ था, जो सामने वाला जो घर था उसके अंदर जो है एक बंदा जो था वो बैठा हुआ था और वो बेचारा मतलब देखो यार हम किसी घर में रहेंगे और हमारे पे कोई गोलियां चला रहा था, हम जो है मतलब नीचे सीढ़ियों पे देखेंगे ना कि सीढ़ियों पे कोई बंदा आएगा सीढ़ियों से, भाई साहब ऊपर से गए जाने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे देखो ये बंदा बेचारा देखा सीढ़ियों से बंदा ऊपर आएगा, मैं सीढ़ियों से बंदा मारूंगा, लेकिन कहां सीढ़ियां भाई, सीधा ऊपर से आ गया बंदा और इस बंदे ने इजीली इस बंदे को खत्म कर दिया। अब देखो पता नहीं कहां गोलियां चला रहा था। उसके बाद जो है ये मतलब इधर की तरफ आया, अभी ये जो है गाड़ी हवा में उड़ा के बताएगा, देख लेना कैसे, मतलब इसकी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 1-2 हजार किलोमीटर पर सेकंड होगा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी फास्ट एक गाड़ी उड़ाता था ना। और देखो घर कैसे पार कर रहा है और सबसे अलग बात तो ये कि इसकी हेल्थ भी नहीं जा रही, मतलब 1-2% मामूली तरीके से इसकी हेल्थ जा रही, बाकी इसकी हेल्थ जा ही नहीं रही है। अब इसने बूस्टअप किया और आप लोग देख रहे हो कि ये कैसे मारेगा, अब यहाँ पे इसने बूस्टर वगैरह करने के बाद जो है ये बंदा इधर की तरफ आ गया। और अब तुम लोग देखना ये बंदा यहाँ पे लेटता है ओके, और लेटने के बाद इसने ये देखो एकीएम पे 6x और आगे पत्थर के आर पार, मतलब सामने वाला बंदा क्या करोगे, अगर तुम उनके सामने होते तो तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। और अब तुम लोग देखो ये देखो इस पर देखो गाइस, इस पर देखो, और अब मैंने तुम्हें बोला था कि 1-2 किलोमीटर दूर बंदे मार रहा है, अब तुम लोग देखना कि कैसे मारता है ओके। इसने एक M4 पे 6x लगाया, कोई 3x नहीं किया, गाड़ी जा रही है और यहाँ पे देखो बंदा खत्म, मतलब इतनी दूर स्प्रे, हेडशॉट और बंदा खत्म, मतलब कुछ नहीं कहूंगा गाइस, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता यार इन हैकर्स के बारे में। और तुम लोग देखो अभी और क्या होता है ओके, अभी भाई साहब आया पोचिंग की में और देखो ये इसने जंप मारा, जंप नहीं हुआ इसका, ये देखो सीधा घर के ऊपर, मतलब यार क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बंदा बैन नहीं हो रहा है, ये कौन करर में है गाइस, कौन करर में, मतलब कौन करर में, एक दो दिन में तो पहुंच ही जाएगा और ये मैच खेलने के बाद शायद पहुंच ही गया होगा। और इसका नाम भी तुम लोग देख सकते हो ओके, अभी तुम लोग देखना और भी तुम्हें कुछ और अंदाज में मतलब और कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये देखो गाइस ये इसने स्प्रे किया, कहां से स्प्रे किया, जमीन के आर पार ही कर रहा है बंदा, और देखते जाना अभी देखना एक और बंदा नॉकआउट करेगा ये अभी। और ये देखो ये किया और यहाँ पे देखो गाइस ये जो है इस बंदे ने एक बंदा नॉकआउट कर दिया। अब सामने वाला बंदा एम ले भी रहा है तो कहाँ पे लेगा एम, अब जो दूसरा और जो मेरे साथ में जो बंदा था मतलब जो रैंडम स्क्वाड लगाया था वो जो है एक बंदा जिंदा था और वो बोल रहा था भाई तो कैसे चढ़ रहा, उस बंदे को पता ही नहीं था भाई की कोई हैकिंग नाम की चीज होती है कसम से। और देखो गाइस ये देखो अभी इसको पता है यहाँ से बंदा पीक लेने वाला है, इसने स्कोप करके रखा, जैसे ही बंदे ने पीक लिया और बंदा खत्म, मतलब बंदे को
थ्री लेवल हेलमेट, थ्री लेवल वेस्ट, क्या है भाई? कुछ नहीं है। M4 पे सिक्स लगा रखा भाई साहब ने, एक केएम पे गोलियां नहीं मुझे लग रहा, नहीं तो ये एक केएम पे भी सिक्स लगाता जमीन के अंदर, ये मतलब घास के तिनके घिन रहा है ये। और देखना गाइस, यहाँ पे एम रख रहा है, ऊपर खिड़की में बंदा मारेगा, देखना आपको खून दिखाएगा। ये देखो गाइस, ये देखो कहां मार रहा है, कहां बंदा मर रहा है, कुछ मतलब कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अभी देखना गाइस ये और क्या करता है, अभी ये इधर आया, इधर आने का इसको ऊपर सीढ़ियों से नहीं जाना, नहीं क्या करेंगे हम सीढ़ियों से जाके, हम तो ऊपर से जाएंगे। और ये बंदा सीधे ऊपर चढ़ गया। अब वो बंदा बोल रहा है भाई तू कैसे कर रहा है इतना बड़ा जंप, कैसे कर रहा है? और वो बंदा जो रैंडम बंदा था वो जंप ले लेके देख रहा भाई कि ये बंदा इतना जंप कैसे कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि हैकिंग नाम की पबजी में चीज होती है। ओके, अभी तुम लोगों को तो हुआ ही कुछ नहीं है, अभी तुम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तुम लोगों को भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। अभी देखना यहां से इसने ये किया, उसके बाद ये गाड़ी लेता है। ओके, फिर गाड़ी में देखना अंदाज देखना तुम लोग। ओके, अभी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद इसने गाड़ी ने गाड़ी को ये हवा मोड़ाएगा, देखना ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये पॉसिबल है गाइस, ये पॉसिबल है। अब इससे बड़ी चीज में कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि बंदा हैकर नहीं है। ओके, 100% ये बंदा हैकर है। और तुम लोग देखना कि अभी और ये मतलब यार देखो, यहाँ पे इसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद इधर की तरफ आया। अब मैंने सोचा यार गाड़ी फट जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं भाई, गाड़ी पे गोलियां ही नहीं लग रही थी, गाड़ी की हेल्थ भी नहीं गई। देखना अभी बैठे कर तो गाड़ी की हेल्थ गई नहीं, और इसने गाड़ी के ऊपर गोली मारी है और गाड़ी की हेल्थ नहीं गई है, और उल्टा इसने दो बंदे लुटका दिए। ओके, दो बंदे इसने लुटका दिए। अभी भाई साहब इधर आए, इधर आने के बाद ये नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद जो है इसने गन को रीलोड किया, गन को रीलोड करने के ऊपर एक बंदा था तो इधर की तरफ इसको पता चल गया कि ऊपर बंदा है। इसको तो पता ही यार, मैं क्या बता रहा हूं, इसको तो पूरा पता है कि कहां पे बंदा है। अब ये देखना ये क्या करता है गाइस, ये ऊपर की तरफ गया, और अब देखो अब गाइस इसने सिर्फ एक गोली मारी, बंदा नॉकआउट, दो गोलियां मारे मतलब गोली जमीन पे लग रही है लेकिन बंदे डैमेज हो रहा है, गोली जमीन पे मार रहा है लेकिन बंदे पे डैमेज हो रहा है। और ये देखो गाइस, इसको पता चल गया बाहर की तरफ बंदा है, ये नूब था, इसको मार दिया। तो गाइस ये था कुछ एक हैकर जो कि एक टीममेट हैकर था मेरा। तो गाइस तुम लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा यार, तुम लोगों को मतलब फीडबैक वगैरह पबजी को देना चाहिए, फिर प्ले स्टोर पर रेटिंग करानी चाहिए कि यार हैकर को बैन करो यार, कौन करन में जो भी बंदा है वो हैकर ही है। अब देखो कितना भी पुश कर लू ना, मैं कितना भी अंधाधुंध पुश कर लू ना भाई, पुश होगा ही नहीं, कौन कर नहीं पहुंच सकते। ओके भाई, ऐसे हैकर आते हैं ना जो कि मतलब अब दीवारों के आर पार जो बंदा मार सकता है उससे हम कैसे मारेंगे भाई, कुछ नहीं मार सकते। और जब उसकी एक गोली में तो बंदा नॉकआउट होता है, एक गोली